मैं अपनी अगली ब्रांडिंग को यहां पर टीज करना चाह रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की सबसे शॉकिंग न्यूज वो है न्यूक्लियर टेस्टिंग। राहुल दिखाइए जरा, उसके बाद में वापस इसका न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर का सीन। न्यूक्लियर टेस्टिंग आज की सबसे शॉकिंग न्यूज है ये। लेकिन राहुल वापस आइए, हमास में हड़कंप। ये बड़ी खबर मैं आपको अब से ठीक 5 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं। न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे में गाजा में 352 लोगों की मौत। ब्रेक करिए, ये देखिए 14 दिन में, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, 14 दिन में 4137 फिलिस्तीनियों की मौत। फिलिस्तीनियों की मौत में 70% बच्चे और महिलाएं शामिल। 14 दिन में 1400 इसराइलियों की मौत। ये बड़ी खबर है, मौत का आंकड़ा जो है। सीधे आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये आंकड़े दिखाते वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखिए, गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत 4100। कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस, वेट वेट वेट, वाह प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। में फिलिस्तीनियों की मौत भी दिखा रहे हैं और यहां पर जख्मी 13,000 हैं। नेक्स्ट दिखाइए जरा, फिर इजरायलियों की मौत 1400 और जख्मी 4600। ये देखिए वेस्ट बैंक, फिलिस्तीनियों की मौत 82, जख्मी 1400, इजरायलियों की मौत 1, जख्मी 9। ये जानकारी आ रही है, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली युद्ध जो है वो थम नहीं रहा। एक और बड़ी खबर, 15 दिन से जारी है इजरायल फिलिस्तीन की जंग। ब्रेक करिए, गाजा में इजरायल पर 6,900 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। विद द वीडियो राहुल, रॉकेट दागे गए, IDF हमलों में बर्बाद हो चुका है गाजा। गाजा में 30% से ज्यादा रिहायशी इलाकों में इलाके हमले में नष्ट, करीब 5600 लोगों की हो चुकी है मौत। यह बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल, जरा इसका बिग वॉल दिखाइए, और राहुल जो पहले वाली खबर है उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। गाजा में 1000 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत हो चुकी है, यह जानकारी आ रही है। फिर देखिए, गाजा में हमास के दर्जनों सीनियर लीडर की मौत हो चुकी है, यह जानकारी आ रही है। इस खबर के शॉट चेंज करिए राहुल जरा, यह बड़ी खबर है, इसके शॉट चेंज करिए। हमने थोड़ी देर पहले अलग शॉट दिखाए थे। गाजा में कम से कम 14 दिन के अंदर 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, यह जानकारी आ रही है। फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक अगली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, इजरायल फिलिस्तीन जंग में रिपोर्टिंग पड़ रही है भारी। ब्रेक करिए, जंग कवर करते करते 15 दिन में 22 पत्रकारों की मौत। युद्ध के दौरान 18 फिलिस्तीनी पत्रकारों की गई जान, 3 इजरायली, 3 लेबनन जर्नलिस्ट की भी मौत। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबके बीच में सीधे आइए, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, अब की बड़ी खबर ये देखिए, चेंज करिए जरा, अब वर्ल्ड वॉर का सीन, न्यूक्लियर टेस्टिंग आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का बड़ा खतरा। ब्रेक करिए, अमेरिका ने किया परमाणु परीक्षण, यह दावा किया गया है, अमेरिका के परमाणु परीक्षण का दावा। करेक्ट करिए वो लाइन, नेवादा न्यूक्लियर साइट पर किया गया परमाणु परीक्षण, परमाणु अप्रसार की नई तकनीक के लिए परीक्षण, अमेरिका ने कहा। रूस के परमाणु परीक्षण से प्रतिबंध हटने के बाद अमेरिका का परीक्षण। मैं चाहूंगा जरा इस खबर में लिखिए, यह फॉक्स न्यूज ने कहा है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फॉक्स न्यूज ने कहा यह।
सीधे आइए जरा, यह बड़ी खबर फॉक्स न्यूज और ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका ने किया न्यूक्लियर टेस्ट, यह जानकारी आ रही है, बल्कि जानकारी आ रही है न्यूक्लियर साइट पर एक बड़ा एक्सप्लोजन किया गया है। नेवादा की न्यूक्लियर साइट पर किया गया परमाणु परीक्षण, जानकारी यह है कि बड़ा एक्सप्लोजन किया गया है। परमाणु प्रसार की नई तकनीक के लिए परीक्षण अमेरिका ने कहा है। अन्य देशों में परमाणु विस्फोटकों का पता लगाना मकसद है, अमेरिका ने कहा है। परमाणु परीक्षण के मामले में रूस और अमेरिका बराबर, रूस ने कहा है। रूस परमाणु परीक्षण प्रतिबंध समझौते से हटा, 1996 में हुआ था परमाणु विस्फोट प्रतिबंध समझौता। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, इसकी ब्रेकिंग तुरंत करेक्ट करवाइए राहुल, सीधे आइए दुनिया में परमाणु परीक्षण, यह देखिए सीधे सामने से हटाइए जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, यह हटाइए जरा। अब अमेरिका में साल 1945 से 1992 के बीच में 1032, 1992 के बाद कभी नहीं हुआ, यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि यह अभी हुआ है। सोवियत संघ ने 1949 से 1990 तक किया, 715 परीक्षण किए हैं, दावा किया जा रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ब्रिटेन साल 1952 से लेकर 1991 तक 45 परीक्षण किए। फ्रांस 1960 से लेकर 1996 तक करीब 210 परीक्षण किए। चीन 1964 से 1996 तक 45 परीक्षण किए। भारत की अगर बात की जाए, साल 1998 में 2 परीक्षण किए। पाकिस्तान साल 1998 में 2 परीक्षण किए। उत्तर कोरिया 2006 से 2017 में कई परमाणु परीक्षण किए हैं। राहुल ये खबर की ब्रेकिंग लीजिए, इसकी वॉल लीजिए और सीधे चलिए, मेरे साथ अरुण माथुर सर मौजूद है। अरुण सर, दिस इज वेरी वेरी सीरियस, कैसे देखते हैं आप? परमाणु परीक्षण हो गया है यह दावा किया है फॉक्स न्यूज ने, ब्लूमबर्ग ने, कहा जा रहा है न्यूक्लियर साइट पर एक्सप्लोजन किया गया है। निशांत देखिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। ये जो अगर ये बात सही है तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक थोड़ी सी होड़ लगेगी न्यूक्लियर परीक्षणों की, और वो होड़ सिर्फ रशिया और अमेरिका के बीच ही ना होकर के कोई उत्तर कोरिया जैसा रोग कंट्री भी इसका फायदा उठा करके इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर टेस्टिंग कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरे की तरफ इसका इशारा जा रहा है, और देखेंगे कि अगर आप ये किसी तरह से ये आगे बढ़ गया और ये होड़ लगी और कोई की वजह से एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो हमें बहुत बड़े डिजास्टर। सर मैं आपको एक और डिजास्टर की एक और चिंताजनक खबर बता दूं।